देश के करोड़ों किसानों के हित में और भ्रष्ट मुक्त सिस्टम बनाने की दिशा में मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने अब खाद सब्सिडी के लिए किसानों को दिए जाने वाले पैसे की स्कीम को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जोड़ दिया है। खाद सब्सिडी के लिए जारी किए गए 70,000 करोड़ रुपए अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत किसानों तक पहुंचेगी, यानी अब किसान को सीधा खाद सब्सिडी का पैसा उनके खाते में डाला जाएगा। सरकार इसके लिए 3 नई टेक्नोलॉजी पर काम शुरू कर चुकी है। नई टेक्नोलॉजी के जरिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर उर्वरक सप्लाई, उपलब्धता और जरूरत का ब्यौरा अब एक ही डैशबोर्ड पर मिलेगा। सरकार ने POS सॉफ्टवेयर एडिशन 3.0 विकसित किया है। इसमें रजिस्ट्रेशन, लॉगिन के दौरान आधार वर्चुअल पहचान विकल्प के साथ विभिन्न भाषाओं की सुविधा होगी। खाद DBT का पहला चरण अक्टूबर 2017 में शुरू किया गया था। इसके तहत POS मशीनों से प्राप्त खुदरा बिक्री आंकड़ों की जांच के बाद सब्सिडी सीधे कंपनियों को दी जाती थी। मोदी सरकार अब तक DBT के माध्यम से जरूरतमंदों तक सब्सिडी का लाभ पहुंचाने और उर्वरकों की कालाबाजारी को रोकने में सफल हुई है।